Я вам просто कांग्रेस के उम्मीदवार जो जुन्नू से हैं, मेरे मंत्री हैं, वही नेता हैं, मेरे ओला साहब, पूर्व विधायक आदरणीय बलराम सिंह साहब, कांग्रेस के उम्मीदवार भगवान राम जैनी जी, जिला अध्यक्ष दिनेश बुढ़ा जी, राम निवासी सैनी, रमेश खंडेलवाल जी, सुमिता जी चेयरमैन के अलावा एम डी देवकर जी, बीएस जैन जी ब्लॉक अध्यक्ष, मनोज जी ब्लॉक अध्यक्ष, राजेश जैन जी और कई हमारे नेताओं बैठे रहे हैं अपन इसमें उपस्थित बुजुर्गों भाई और बहन और नौजवान साथियों की जो मैं सैलाब देख रहा हूँ पार्टी के अंदर जो आप उत्साह है इसके मायने हैं, इसके मायने ये है आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास, मेरे प्रति जो दर्द है आपने दिखाया है उसके लिए आपका आभारी। मैं चाहूँगा ये आशीर्वाद, ये प्यार, आपका विश्वास जिसके लिए मैं आया हूँ भगवान राम खेलने के लिए सोच समझ के खड़गे साहब ने, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी इनको कांग्रेस का दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार कुछ कसर रह गई थी, ये कामयाब नहीं हो पाए थे और स्थिति ऐसी बनी सरकार की हमें से उतरना पड़ा। अन्य एम एल ए के जो पार्टी जीते रहे थे, बी एस पी के भी थे, अन्य लोग भी थे, भगवान शरीर जी इसे काम भी नहीं कर पाए। ये हारे के वकील हैं, ये प्रधान नहीं रहे हैं, पर ऐसा माहौल बन गया कि इनके थ्रू में काम हुआ ही नहीं, इनमें इनकी गलती नहीं है, इससे जो बन गई थी उस कारण से ये काम संभाल नहीं पाए थे। अब मैं आपको दो बातें कहना चाहूँगा, मौसम खराब हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जाऊंगा। नंबर एक, आप इनको आशीर्वाद और कामना करो, बहुत ही भले इंसान है, नेक है, निर्भीक है, निष्ठावान है, प्रतिबद्ध है, आपके सुख दुख में काम आने वाले हैं, आपके विचार में भागीदार निभाएंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ दो बात। एक तो मैं आप समझ की उद्धव गांधी चित्र मैंने गोद ले लिया, चुनाव के बाद में इसी जगह वापस आऊंगा आपको धन्यवाद देने के लिए। माहौल आपके पक्ष में है, इस बार शानदार काम हुए, 5 साल तक को कमी नहीं रखी हम लोग। जो राहुल गांधी जी ने कहा था महंगाई का मुद्दा है तो मैंने कहा शिविर लगाया, हमने कहा शिविर, शानदार काम किया, लागू हो गए। बेरोजगारी मुद्दा है, 3 लाख नौकरियां लगाने वाला राजस्थान पूरे देश के अंदर अगले श्रेणी में है, 2 लाख तो लग चुकी है, बाकी लग रही है, 4 माह में भाईचारा होना चाहिए, उन किसानों काम कर रहे हैं और गरीब और अमीर बीच में खाई नहीं बननी चाहिए। गरीब का भी हक है देना, देने का सोशल सिक्योरिटी दे रहे हम लोग, 1000 रुपये पेंशन कर दी, 500 रुपये की 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, बुढ़े लोगों को, विधवाओं को, निस्तजनों को। और मेरा सपना है, हमारी मांग है भारत सरकार से, टाइम आ गया है जो बात करने की गुरु बनने की,
तो कम से कम हिंदुस्तान के अंदर जो रहते हैं लोग बाग बच्चे कुपोषित भी है, गरीबी भी है, भुखमरी भी है, हर परिवार को जैसे चार कानून बनाए थे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल और नरेगा दिया था। 5वां कानून बनाए, भारत सरकार बनाया, वो क्या हो, वो हो हिंदुस्तान के हर परिवार को जिसकी आवश्यकता है उनको मंथली वीकली दुनिया के मुल्कों में पैसा मिलता है जीवन यापन करने के लिए, पैसा हर परिवार को मिलना चाहिए। हम ये ख्याल भी लेते हैं कि उसे काम नहीं चलेगा, हर परिवार की मेहनत सरकार की है, ये हमारे कोई आसान नहीं है आपके ऊपर, जो सरकार होती है उनकी जिम्मेदारी है समाज के लोगों की देखभाल करे, शिक्षा का प्रबंधन करे, चिकित्सा का प्रबंधन करे, घर चलाने का प्रबंधन करे, सरकार की जिम्मेदारी रोजगार दे उन लोगों को। इसीलिए हमने देखा होगा 25 लाख का बीमा हमने किया इलाज का, हिंदुस्तान में कहीं पर है सिर्फ राजस्थान का, केंद्र में भी 5 लाख का बीमा है, केंद्र सरकार का 5 लाख का बीमा है, हर राज्य में 5 लाख का बीमा होता है और वो सब 25 लोगों के लिए, हमने पूरी पब्लिक के लिए किया, गरीब है अमीर कोई भी है, 25 लाख का बीमा। आज के घुटने चेंज करवा रहे हैं, कोई किडनी, कोई हार्ट, क्या क्या नहीं हो रहा है, वरना लोग उधार लेके सेवा करते माँ बाप की, गहने बिक जाते थे, मकान बिक जाते थे, तो हम माँ बाप जिंदा रखना चाहते थे, ये हमारा संस्कार है। अब 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है, शानदार काम आप हो गया, हमने कहा उपी लागू करेंगे कमजोर के लिए, सब कमजोर खुश है, गोल्डन पेंशन मिल गई उन लोगों को। हमने कहा कि गाय मरने की लंपी से 40,000 रुपये दिए मैंने प्रति गाय मरने वाले परिवार को, 40,000 रुपये दिए। अच्छा आगे जो पशु बीमा कर रहे हैं हम लोग काम करने की योजना कर रहे हैं, 5 दिन में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हिंदुस्तान में काम मिला, केंद्र सरकार दबाव में आ गई, उन 200 कम करने पड़े। इसे मैं कहना चाहूँगा, हमने महंगाई राहत शिविरों में आपको कार्ड दिए, गारंटी कार्ड दिए, लागू हो गए वो अन्नपूर्णा योजना में, किट दे रहे हैं, खाद्य सामग्री के वो अलग है, बिजली के बिल जीरो हो गए हैं, 1 करोड़ लोगों को 100 यूनिट बिजली जो जलाता है उनका बिल जीरो आ रहा है, 14 लाख किसान जो है 2,000 यूनिट बिजली फ्री कर दी उनका बिल जीरो आ रहा है, कई कदम उन्होंने उठाए हैं जिसके कारण आज महंगाई में लोगों को राहत मिली। बाकी तो कॉलेज खोलने में हम लोग पीछे नहीं रहे, कॉलेज खोले यहाँ पर राजस्थान ने 3 से 10 कॉलेज खोल दी 5 साल के अंदर, रिकॉर्ड बना दिया, 1 से 3 गर्ल्स कॉलेज इसके अंदर है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। जो मांगा मुझसे मैंने कभी मना नहीं किया, इसलिए मैंने काम किया था, मैंने कहा आप जरा भी देखिए, उदयपुर ऑर्डन कॉलेज, गुड़ा में गर्ल्स कॉलेज खोला, गुड़ा पॉन्स में सावित्री बाई खोले छात्रा बन रहा है, उदयपुर वाटी में ट्रॉमा सेंटर देवलाला में PhD खोला गया, गुड़ा गोडी में तहसील गुड़ा पॉन्स और उदयपुर वाटी को नगर पालिका बनाया गया, शिवपुरा में सामुदायिक भवन बन रहा है, उदयपुर वाटी में औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, आपको देर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, गुड़ा में खेल स्टेडियम बन रहा है, खो मंत्रा बांध का पुनर्निर्माण मरम्मत हो रही है, आप सोच सकते हो। इस रूप में हर क्षेत्र में इस क्षेत्र में काम हुआ है।